दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती होने के बाद कैंडिडेट को सेना में 4 साल सेवा देनी होगी, ये सभी को पता है। और अग्निवीर के लिए 8th, 10th और 12th क्लास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सभी को पता है। लेकिन ये कैंडिडेट क्या अग्निवीर के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे और क्या उन्हें उसका सर्टिफिकेट मिलेगा? अगर मिलेगा तो कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होगा, उसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या मायने होंगे और उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अग्निवीर के रूप में जिन कैंडिडेट्स की भर्ती होगी उनकी पहले तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद अगर वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी उन्हें दी जाएगी, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 10th पास कैंडिडेट को 4 साल के बाद उनकी सेवा खत्म होने पर उन्हें 12th क्लास की डिग्री भी दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट को आगे 12th क्लास के लिए फॉर्म भरना होगा, जिसके बारे में उन्हें अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान ही बता दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी 12th क्लास में 50% नंबर उनकी ट्रेनिंग के आधार पर दिए जाएंगे और बाकी के 50% लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान भी कैंडिडेट को प्रॉपर पढ़ाई करने का समय दिया जाएगा, जिससे कि वे आसानी से परीक्षा पास कर पाएंगे। और अब ये 12th कौन से बोर्ड से करवाई जाएगी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो कैंडिडेट 12th के बाद ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहता है तो वे अग्निवीर के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। और ओपन यूनिवर्सिटी से होने के बावजूद इस अग्निवीरों की डिग्री की मान्यता देश और विदेश में भी बाकी सभी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होगी। इसके लिए तीनों सेनाओं की इग्नू से बात हो चुकी है और इग्नू अग्निवीरों के लिए अलग से कोर्स बना रहा है और जल्द ही वह भी आ जाएगा। और इसमें भी 50% नंबर अग्निवीरों की ट्रेनिंग और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे और बाकी के लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, इसमें कोई फेल तो होगा ही नहीं, क्योंकि 50% नंबर वैसे ही ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल के आधार पर मिल जाएंगे, जिसमें कैंडिडेट वैसे ही पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हुई 10th 12th के सर्टिफिकेट की बात। इसके साथ ही अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि कैंडिडेट की ट्रेनिंग के आधार पर होगा। और अगर 4 साल के बाद कैंडिडेट किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहता है तो ये सर्टिफिकेट उन्हें वहां पर काम आएगा और इसी के आधार पर ही अग्निवीरों को बाकी कैंडिडेट से पहले वहां पर नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये इस तरह की सभी सुविधाएं पढ़ाई के साथ साथ अग्निवीरों को मिलेगी। आपको इससे संबंधित कोई सवाल है, कोई जानकारी आपको और चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें सही जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।